हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 2023 के एलिमिनेटर मुकाबले के अंदर, जो कि मुंबई इंडियंस और LSG के बीच में खेला जाएगा, मतलब कि लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला जाएगा। जहां एक तरफ कप्तानी करते आपको दिखेंगे हिटमैन रोहित शर्मा, तो दूसरी तरफ एक्स प्लेयर मुंबई इंडियंस के कृणाल पंड्या इस मुकाबले के अंदर कप्तानी करते दिखने वाले हैं। तो दोनों ही खिलाड़ियों के अंदर जो है कांटे की टक्कर होने वाली है। इस मुकाबले के अंदर कौन सी टीम जो है विन करेगी, और इस मुकाबले को जो टीम विन करेगी वो जो है गुजरात टाइटंस से खेलेगी 26 मई को। तो देखते हैं कि इस मुकाबले के अंदर कौन सी टीम विन करती है, किस प्रकार से जो है इन प्लेइंग 11 खेलते नजर आने वाले हैं, और कौन से बेहतर खिलाड़ी हो सकता है आज के मुकाबले के अंदर ग्रैंड लीग पिक। तो इन सभी चीजों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे देखते हैं प्ले ऑफ के लिए किस तरह से जो है आगे बढ़ेंगी सभी टीमें। तो यहाँ पर देखते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के रोड टू फाइनल के अंदर, 2023 के रोड टू फाइनल के अंदर अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कल के मुकाबले के अंदर गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले के अंदर विन किया चेन्नई सुपर किंग्स ने और वह सीधे फाइनल में पहुंच गए। तो यहाँ पर फाइनल में पहुंच जाएगी और वो जो है 28 मई को जो है फाइनल में क्वालिफायर 2 को विन करके जाने वाली टीम के साथ खेलने वाली है, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला जाएगा। वहीं क्वालिफायर 2 26 मई के दिन होने वाला है और यह लूजर 1 मतलब लूजर क्वालिफायर 1 गुजरात टाइटन्स की टीम, और जो आज के मुकाबले को विन करेगी टीम उसके बीच में 26 मई को खेला जाएगा। आज का मुकाबला जो होगा वो थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस पर रहने वाली टीम के बीच में होने वाला है, जहां नंबर 3 पर थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, वही नंबर 4 पर मौजूद थी मुंबई इंडियंस की टीम। इसलिए दोनों टीमें एक दूसरे से आमने सामने होने वाले हैं आज के मुकाबले के अंदर। तो कौन सी टीम किस प्रकार से प्रदर्शन करेगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अब देखते हैं, देखिए आज जो है आपको गौतम गंभीर एक बार फिर से देखने को मिलेंगे मेंटोर के रूप में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से। वहीं रोहित शर्मा और गंभीर की जोड़ी जो है बहुत ही शानदार रहती है और ये जो है अच्छे फ्रेंड भी रहे हैं इनके। देखते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस ने हेड टू हेड में किस तरह से परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। देखिए कल के मुकाबले के अंदर बात करते हैं हमने, तो जो है कल आपको हमने बताया था कि ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल आपके जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी होंगे। उसके बाद हमने बताया था कि आपको ग्रैंड लीग पिक होने वाले हैं रविंद्र जडेजा, जो कि शानदार प्रदर्शन करके आपको देंगे। वैसा हुआ भी, उन्होंने बल्लेबाजी से भी रन बनाए और गेंदबाजी से शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाला। हमने बताया था मथिसा पतिराना के बारे में, जो कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में प्लेइंग 11 के अंदर शामिल होंगे और वो शामिल हुए, उन्होंने भी 2 विकेट निकाला। तो इस तरह से हमने आपको बताया था दीपक चहर के बारे में, दीपक चहर पावर प्ले के अंदर 2 विकेट निकालेंगे। हालांकि जो है 2 विकेट उन्होंने निकाला लेकिन एक ही विकेट पावर प्ले के अंदर उनको मिल पाया। इसके बाद हमने जो है बताया था कि मोइन अली को आप अपनी टीम में नहीं रखिएगा, और बताया था हमने कि हार्दिक पांड्या अगर गेंदबाजी नहीं करते हैं तो उनको भी आप अपनी टीम से ड्रॉप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैं प्रिडिक्शन देता हूँ वो जो है 90-95% सही होता है, इसलिए ज़्यादातर जो है सही टीम बनाने के लिए हमारे चैनल पर आप जोड़ सकते हैं। आपको इसी तरह की जानकारी आज के वीडियो के अंदर भी मिलने वाली है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके जो है वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं वेन्यू और टीम न्यूज़ की। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला AMI चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा, जिसको कि चेपा भी बोलते हैं। वो ये मुकाबला जो है शाम को 7:30 पर आरंभ होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको कई फायदे होंगे। टेलीग्राम चैनल पर हमको जो है हम आपको ड्रीम इलेवन टीम देने वाले हैं, आपको जो है लास्ट मिनट पर सारी अपडेट जो होगी IPL से उसको आपको देने वाले हैं, और टेलीग्राम चैनल को जुड़ने से आपको कई फायदे
होने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया, तो वहां से आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो लास्ट मुकाबला जो खेला गया था इस पिच पर वो चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच क्वालिफायर मुकाबला था। उस मुकाबले के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन स्कोर खड़ा किया और गुजरात टाइटंस की टीम विन नहीं कर पाई उस मुकाबले को, और जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई फाइनल के लिए। तो अब जो है दूसरा क्वालिफायर खेलेगी गुजरात टाइटंस की टीम। ये पिच जो होती है वो बैटिंग के लिए शानदार रहती है, जैसा कि हमने लास्ट मुकाबले के अंदर देखा कि ऋतुराज गायकवाड और डिवोन कन्वे ने किस तरह से बल्लेबाजी की थी। शानदार बैटिंग के लिए जो है पिच रहती है यहाँ पर, और इस मुकाबले के अंदर भी उसी पिच पर मुकाबला होने वाला है। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं बैट्समैन, और यहाँ पर तेज गेंदबाज और स्पिनर्स को भी कल मदद मिल रहा था, तो आज के मुकाबले के अंदर भी इसी तरह का मदद देखा जा सकता है। तो आगे देखते हैं पिच की फोटोज देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी पिच की फोटोज। और देखिए जूम करके भी आपको फोटो दिखाते हैं, देखिए ये जो है जूम कर रहे हैं, पूरी क्लियर फोटो आपको दिख नहीं पा रही है। तो इसी पिच पर मुकाबला होने वाला है। बाउंड्री डायमेंशन भी शानदार रहती है इस पिच की, तो यहाँ पर देखिए कल जिस तरह से बाउंड्री डायमेंशन रही थी उसी प्रकार से आज की बाउंड्री डायमेंशन भी आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद जो है इस पिच पर शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिल सकती है। कल के मुकाबले के अंदर देखा हमने कि तेज गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया, वहां पर देखने को मिला मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, और जो है आपको देखने को मिले मथीसा पथिराना, तुषार देश पांडे, दीपक चहर, सभी ने शानदार गेंदबाजी की कल के मुकाबले के अंदर। तो आज के मुकाबले के अंदर भी दोनों टीमों में शानदार गेंदबाज मौजूद हैं, तो बेहतर प्रदर्शन करके दे सकते हैं। तो आज के मुकाबले के अंदर दोनों टीमों में शानदार बल्लेबाजी मौजूद है। एक तरफ तो क्विंटन डिकॉक आपको ओपन करते दिखेंगे, तो दूसरी तरफ ईशान किशन आपको देखने को मिलेंगे जो कि विकेट कीपिंग बल्लेबाजी करते हैं। दोनों ही खिलाड़ी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और बेहतर तरीके से ये बल्लेबाजी कर सकते हैं आज के मुकाबले के अंदर। वहीं इनके साथ ओपन करने वाले हैं, एक तरफ आपको रोहित शर्मा देखने को मिलेंगे, तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा आज के मुकाबले में प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। लास्ट मुकाबला जो खेला गया था उस मुकाबले के अंदर करण शर्मा को मौका दिया गया था, तो कुछ खास प्रदर्शन करण शर्मा ने नहीं किया था, तो इस मुकाबले के अंदर चांस देखने को मिल सकता है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से। तो अब आगे देखते हैं, देखिए इस पिच पर 8.2 की औसत से रन बनते हैं। यहाँ पर एवरेज स्कोर जो देखने को मिलता है 172 रन देखने को मिलता है। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम किस प्रकार से प्रदर्शन करती है, देखिए लास्ट मुकाबला जो खेला गया था क्वालिफायर वन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 172 रन बनाए, 7 विकेट गंवा के। वहीं सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आती है गुजरात टाइटन्स की टीम, 157 रन ही बना पाती है, 10 विकेट गंवा देती है और मुकाबले को विन कर नहीं पाती है। वहीं उससे पहले 144 रन बनते हैं, 6 विकेट गंवाकर टीम बनाती है, जो टीम चेस करने आती है 147 रन बनाकर मुकाबले को विन कर जाती है। तो यहाँ पर 170 से 180 के बीच में अगर स्कोर बनता है तो सुरक्षित स्कोर हो सकता है। इससे पहले 167 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनते हैं, जो टीम चेस करने आती है 140 रन ही बना पाती है। उससे पहले 139 रन 8 विकेट के नुकसान पर पहली पारी के अंदर स्कोर बनता है और जो टीम चेस करने आती है 140 रन बना देती है 17.5 ओवर की समाप्ति पर ही। इससे पहले 200 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहली पारी के अंदर बनते हैं और जो टीम चेस करने आती है 201 रन बना करके मुकाबले को विन कर जाती है। सामने कौन सी टीम थी, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने मुकाबले को विन किया था, उसमें मार्कस स्टोनिस की क्लास देखने को मिली थी, निकोलस पुरन की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी उस मुकाबले के अंदर। काइल मार्श ने भी शानदार बल्लेबाजी की थी, 54 रन बनाए थे उस मुकाबले के अंदर। तो इससे पहले 134 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनते हैं, जो टीम चेस करने आती है 18.5 ओवर की समाप्ति पर ही 138 रन बनाकर विन कर जाती है 3 विकेट गवा करके। तो शानदार बल्लेबाजी पिच देखने को मिलती है। सेकेंड इनिंग के अंदर तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। कल की मैच में हमने देखा जडेजा की गेंद किस प्रकार से घूम रही थी। इस वेन्यू पर जो है मुंबई इंडियंस ने 15 मुकाबले खेले हैं, 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है, 5 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। तो मुंबई इंडियंस के लिए यह वेन्यू काफ़ी शानदार रहा है और मुंबई इंडियंस आज के मुकाबले को विन कर सकती है। फेवरेट टीम होगी मुंबई इंडियंस आज के मुकाबले के अंदर,
तो ये जो है बेहतर रहने वाला है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने भी इस पिच पर एक मुकाबला खेला है और उस मुकाबले के अंदर जीत हासिल की हुई है, तो आज के मुकाबले के अंदर भी जीत हासिल कर सकती है मुंबई इंडियन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 26 मुकाबले खेले हैं इस पिच पर और जो है 14 मुकाबले विन किए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 14 मुकाबले जीते हैं और जो टीम सेकेंड इनिंग में चेस करती है वो 12 मुकाबले विन किए हैं। लास्ट के कुछ मुकाबले में देखें तो एक मुकाबला बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम, एक मुकाबला बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने जीता है। तो इस तरह से प्रदर्शन इस पिच का रहता है। लास्ट मुकाबले की बात करते हैं तो लास्ट मुकाबले के अंदर 10 विकेट तेज गेंदबाजों के नाम रहे थे, वहीं 6 विकेट स्पिनर्स के नाम रहे थे। तो यहाँ पर तेज गेंदबाज फिर से एक बार आज के मुकाबले के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर तेज गेंदबाज और स्पिनर्स की बात करते हैं तो तेज गेंदबाजों ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया। 26 मुकाबले 150 विकेट, फर्स्ट इनिंग के अंदर 82 विकेट और सेकेंड इनिंग के अंदर 68 विकेट तेज गेंदबाजों के नाम रहे हैं। तो वहीं स्पिनर्स की बात कर लेते हैं, 26 मुकाबलों में 141 विकेट, फर्स्ट इनिंग के अंदर जो है 77 विकेट और सेकेंड इनिंग के अंदर 64 विकेट तेज गेंदबाजों के नाम स्पिनर्स के नाम रहे हैं। तो इस प्रकार से तेज गेंदबाज और स्पिनर्स का रोल रहा है। दोनों ही पारियों के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तेज गेंदबाज और स्पिनर, इसलिए दोनों ही पारियों में स्पिनर और तेज गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन आप लेकर के टीम बना सकते हैं आज के मुकाबले के अंदर। बात करते हैं हेड टू हेड स्टैट्स की, तो मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 3 मुकाबले खेले गए हैं। मुंबई ने एक भी मुकाबला नहीं जीता है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने तीनों ही मुकाबले विन किया हुआ है। तो आज के मुकाबले के अंदर ये बेहतर पिक जो है रहने वाले हैं कि आज मुंबई इंडियंस किस प्रकार से बल्लेबाजी करती है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ में। तो अगर आज के मुकाबले को मुंबई इंडियंस विन करती है तो क्वालिफायर नंबर 2 खेलेगी, और अगर सुपर जायंट्स की टीम विन करती है तो वो क्वालिफायर खेलेगी। जहां एक तरफ जो है मुंबई इंडियंस की मुंबई पलटन देखने को मिलेगी, तो एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के सुपर हीरोज देखने को मिलने वाले हैं आज के मुकाबले के अंदर। अब आगे बात करते हैं मुंबई इंडियंस और जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के न्यूज़ की, तो यहाँ पर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, सभी वही पुरानी न्यूज़ है। ओवरसीज प्लेयर आप जानते हैं कैमरून ग्रीन, जोफ्रा आर्चर, ड्यूवाल ब्रेविस, टीम डेविड, ट्रिस्टन स्टॉब, जेसन बैरनडॉर्फ और क्रिस जॉर्डन आपको देखने को मिल रहे हैं एक तरफ। तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे ओवरसीज प्लेयर के रूप में स्टोनिस, निकोलस पुरन, काइल मार्स, रोमारियो सेफर्ड, डेनियल सैम, मार्क वुड, क्विंटन डिकॉक और नवीन उलहा। इस सीजन के अंदर ना तो जो है डेनियल सैम को मौका दिया गया और ना ही रोमारियो सेफर्ड को। पता नहीं क्यों क्या चल रहा है टीम, किस प्रकार से टीम मैनेजमेंट मैनेज कर रही है कि डेनियल सैम जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी को प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं बना पाई इस सीजन के अंदर। काइल मार्स को ड्रॉप करके डेनियल सैम को मौका दिया जा सकता था, लेकिन टीम ने एक भी बार मौका दिया नहीं है डेनियल सैम को। तो अब जान लेते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के अंदर रोहित शर्मा कप्तान, ईशान किशन के साथ ओपन करने वाले हैं नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए। लास्ट मुकाबले के अंदर कैमरून ग्रीन आए थे और शानदार शत की पारी देखने को मिली थी उनके बल्ले से। तो नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए कैमरून ग्रीन आएंगे, नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए जो है सूर्य कुमार यादव आने वाले हैं, नंबर 5 पर निहाल वडेरा, नंबर 6 पर जो है टीम डेविड फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं। तो फिनिशिंग करते हुए आज देखने को मिलने वाले हैं टीम डेविड। ऋतिक शौकीन आपको देखने को मिलेंगे आज के मुकाबले के अंदर, पीयूष चावला, क्रिस जॉर्डन, आकाश मदवाल और जेसन बैरनडॉर्फ आपको देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 के अंदर मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से। इंपैक्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कुमार कार्तिकेय, विष्णु विनोद और तिलक वर्मा रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं बेंच प्लेयर की, तो बेंच प्लेयर देख लिए राघव गोयल, संदीप वारियर, रमनदीप सिंह, डिवॉल्ड ब्रेविस, ड्यूअन जेंसन, जोफ्रा आर्चर, अरशद खान, अर्जुन तेंदुलकर और ट्रिस्टन स्टॉब रहने वाले हैं। तो इस तरह से बेंच प्लेयर रहेंगे। बात कर लेते हैं स्टार्टिंग ओवर की, स्टार्टिंग ओवर की गेंदबाजी क्रिस कैमरून ग्रीन, जेसन बैरनडॉर्फ और आकाश मदवाल गेंदबाजी करते नजर आएंगे। वहीं डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में जेसन बैरनडॉर्फ, आकाश मदवाल और क्रिस जॉर्डन आपको गेंदबाजी करते दिखने वाले हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पर नज़र डाल लेते हैं, तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ओपन करने वाले हैं
काइल मायर्स अगर आज ये प्लेइंग 11 के अंदर खेलते हैं तो ये ओपन करने वाले हैं। इनके साथ ओपन करते दिख सकते हैं क्विंटन डिकॉक नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए, प्रेरक मनकड नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आपको देखने को मिलेंगे मार्कस स्टोनिस। कुणाल पांड्या जो कि टीम के कैप्टन हैं वो अपने आप को जो है पिछले मुकाबले के अंदर प्रमोट किया हुआ था इन्होंने, तो आज के मुकाबले के अंदर भी ये ऊपर बल्लेबाजी करने जा सकते हैं। निकोलस पुरन, आयुष बदोनी, कृष्णप्पा गौतम, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई और मोहसिन खान प्लेइंग 11 के अंदर खेलते नजर आने वाले हैं। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देखने को मिल सकते हैं दीपक हुड्डा, अमित मिश्रा और नवीन उलग। आज के मुकाबले के अंदर जो है कृष्णप्पा गौतम को ड्रॉप करके अमित मिश्रा को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि ये शानदार और एक्सपीरियंस लेग स्पिनर हैं, तो इसलिए आज के मुकाबले के अंदर ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इनको अगर प्लेइंग 11 के अंदर टीम शामिल नहीं करती है तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है आज के मुकाबले के अंदर। बेंच प्लेयर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बेंच प्लेयर डेनियल सैम, रोमारियो सेफर्ड, मार्क वुड, मनन बोहरा, आवेश खान रहने वाला है। आवेश खान को मौका नहीं मिलने वाला है आज के मुकाबले के अंदर। स्टार्टिंग ओवर की गेंदबाजी युद्धवीर सिंह, मोहसिन खान, काइल मार्स करने वाले हैं। वहीं डेथ ओवर की गेंदबाजी में मोहसिन खान, युद्धवीर सिंह, स्टोनिस और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अगर नवीन उलहक को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है तो वो गेंदबाजी करते दिख सकते हैं। कॉमन कैप्टन और वाइस कैप्टन पर नजर डाल लेते हैं तो कॉमन कैप्टन हमारे होंगे सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन के रूप में क्विंटन डिकॉक होने वाले हैं आज के मुकाबले के अंदर। वहीं जो है आपको देखने को मिलेंगे ईशान किशन जो कि बड़ा ही लगा सकते हैं आज के मुकाबले के अंदर। मार्कस स्टोनिस आपके ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं आज के मुकाबले के अंदर। रवि बिश्नोई और पीयूष चावला आपके ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन के साथ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में इनको ट्राई कर सकते हैं और ये बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन हो सकते हैं। कल के मुकाबले के अंदर जिस तरह से हमने कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बताया था, कौन से डिफरेंशियल पिक होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की थी और सभी प्रिडिक्शन हमारे जो है सही रहे थे, तो आज के मुकाबले के अंदर भी इसी तरह से प्रिडिक्शन सही रहने वाली है। यहाँ पर ईशान किशन आज के मुकाबले के अंदर बड़ी पारी खेल सकते हैं। हो सकता है कि आज के मुकाबले के अंदर ईशान किशन के बल्ले से शतक देखने को मिल सकता है। कुणाल पांड्या आज के ग्रैंड लीग पिक होने वाले हैं। कल के मुकाबले के अंदर रविंद्र जडेजा जिस प्रकार से ग्रैंड लीग पिक थे, आज कुणाल पांड्या ग्रैंड लीग पिक होने वाले हैं, तो इनको आप अपनी टीम में ग्रैंड लीग के अंदर कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे उनको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब हम आपको ड्रीम 11 पर किस प्रकार से टीम बनानी है, किसको अपनी टीम में रखना है, किसको ड्रॉप करना है, उस पर चर्चा करते हैं। आज के बड़े मुकाबले के अंदर आपको रखना है विकेट कीपिंग में निकोलस पुरन, क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन को। वहीं बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा को आप अपनी टीम में पिक करिए। इसके बाद आपको रखना है मार्कस स्टोनिस, कैमरून ग्रीन, कुणाल पांड्या और गेंदबाजी आक्रमण आपको रखना है जेसन बेरनडोर, पीयूष चावला और रवि बिश्नोई को। तो इस तरह से टीम बनकर तैयार हो जाती है। कैप्टन और वाइस कैप्टन देख लेते हैं तो यहाँ पर ग्रैंड लीग के अंदर कैप्टन होंगे हमारे सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन हमारे होंगे क्विंटन डिकॉक। तो इस तरह से टीम बनकर तैयार हो जाती है। इस टीम के साथ आप जा सकते हैं और जो है टास्क के बाद अगर कोई अपडेट होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो इस टीम के साथ आप जाइए और ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाइए।